हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूमी फैमिली ब्लॉग। तो मैं आप लोगों के साथ आज हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं हलीम कैसे बनाती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसमें एक केजी गोश्त लिया है, 2 बड़ा गांठ प्याज का और 2 बड़ा गांठ लहसुन के, और 4 4 इंच का टुकड़ा अदरक, जीरा, काली मिर्च आधा आधा चम्मच। तो इन सब का पेस्ट बना लेंगे। तो इधर देखिए कुकर में मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है। अब प्याज को लाल कर लेंगे। तो देखिए मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें गोश्त डालकर फ्राई करेंगे। दो दो चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, चिली पेस्ट, आप लोग चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, ये सभी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके कुकर का लिड लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी मेरी हलीम की रेसिपी। तो देखिए सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से चलाकर लिड लगा देंगे। तो देखिए 2 सीटी आने के बाद कुकर खोल कर देखते हैं गोश्त गली गला या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त गल गया है और इसे भून भी लिया है अच्छी तरह से। अब गोश्त को निकाल के दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे और उसी कुकर में भिगोए हुए दाल डाल देंगे। तो दाल में इसमें क्या है, चना, काली मसूर, लाल मसूर, उड़द, अरहर और खिचड़ा, वो गेहूं का बना होता है। तो ये सारी दालें मिलाकर 500 ग्राम है। तो इसे कुकर में डाल लेंगे और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 3 गिलास पानी डालकर सीटी लगा लेंगे। और इधर देखिए ये गोश्त अलग मैंने कर लिया है और इधर इस तरफ है सादा पीस को फॉक की हेल्प से इसे अलग कर लिया है रेसा, और ये हड्डी वाला अलग है। इस तरफ प्याज फ्राई कर रहे हैं बघार देने के लिए। तो देखिए दाल गल गए हैं अच्छी तरह से। मैंने इसे एक बड़ा बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब ये गोश्त, हरा धनिया, हरी मिर्च सभी डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे देर तक चलाते हुए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए गोश्त का रेशा करके जो मैंने अलग बनाया था उसमें भी डाल दिया इसी में। ये हरा धनिया, हरी मिर्च, 10-12 हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो जल जाएगा। चलाकर
जब उबलने लगेगा तो पक जाएगी हमारी हलीम की रेसिपी। तो देखिए तैयार है।